ही एक तू, तू ही एक तू वसे हर सू। तेरा जलवा जिधर वेखा दिसे मैनू। हो तेरा भेद किसे ना पाया लभदे गए सयाने, ए दुनिया की खेड बनाई तेरिया तू ही जाने। हो तेरा भेद किसे ना पाया लभदे गए सयाने, ए दुनिया की खेड बनाई तेरिया तू ही जाने। तेरिया तू ही जाने कुछ भी पता नहीं दुनिया नू। सत श्री अकाल जी, मेरे नाल सुले ज्योति नूरा। ज्योति मैम पहले तो बहुत बहुत मुबारक, थोड़ा नवा गाना आ रहा है। थैंक यू भाजी, और थानू भी बहुत बहुत मुबारक। मतलब अक्सर ये चीज़ें देखिया जाती हैं कि जब भी किसी एक नवी चीज़ की शुरुआत होनी होती है तो हमेशा थोड़ा दोनों भैनों का नाम पहला आता है, लेकिन अज तक कल अवेलेबल हो। नहीं, हूँ भी दोनों भैन ही हैं, ये अभी लोगों से दो लगते पर अच्छे है एक। ये बात तो सही। वैसे ना जब भी थोड़ी कमिस्ट्री देखने को मिलती है कि तुम हमेशा कुछ प्लान करके जाते हो स्टेज तो पहले? नहीं, ए बस एक मालक को यही दुआ मंगी थी कि स्टेज साड़ी वधिया जावे और थोड़ा सारे दा स्रोतियां दा बस प्यार मिले और कुछ नहीं। अगर आप इस गाने की गल करिए तो गाने का स्वभाव किदा बनया? गाने का स्वभाव बस क्योंकि भाजी नाल काफ़ी काम करते हैं असी और साड़े घर की गल है बस ये है, और भाजी ने शाह जी ने यह चीज़ सोची सी, फिर असी ये गाना डब किया तो बस उस तो बाद सामने अच। मतलब दो लाइना हो जाने इस गाने दी। तू ही एक तू, तू ही एक तू वसे हर सू। तेरा जलवा जिधर वेखा दिसे मैनू। हो तेरा भेद किसे ना पाया लभदे गए सयाने, ए दुनिया की खेड बनाई तेरिया तू ही जाने। हो तेरा भेद किसे ना पाया लभदे गए सयाने, ए दुनिया की खेड बनाई तेरिया तू ही जाने। तेरिया तू ही जाने कुछ भी पता नहीं दुनिया नू। मैं अगर गाने की गल करा तो थोड़ी बहुत लंबी जर्नी है बॉलीवुड और बॉलीवुड की, कोई ऐसी मूवमेंट जी दोनों भैनों की हो और तुम हमेशा मिस करते हो? तो कुछ नहीं, मतलब जिदा कहें ना आप कि आप फलानी जगह गए, फलाने स्टेज पर गए तो एक ऐदा की एक घटना हुई जी बड़ी दिल में लगी और अज भी असं याद करते। मैं हूँ भी उपर गल करके आई। एक बार इदा होया असी इदा दरगाह से शो करके आए जो कार बैठन लगे तो वह कई बार रश ना पता नहीं लगता, वो बेचारे कोई पुलिस मुलाजम से मैं उन्होंने तो बेचारे तो हूँ भी माफ़ी मंगती और जिते भी हो मेरी आवाज़ सुन लैन, तो उदू रश पता नहीं लग्या। वो असी इदा कार मेरे हसबेंड कढ़न लगे तो उन्होंने ना पैर के उपर टायर चढ़ गया पिछला, तो वह बेचारे एकदम बड़े दुखी हो गए। तो मैनू लगा भी बेचारे पता नहीं मैनू कोई दुआव दे रहे, मैं कह रहे ज्योति जी राजी रहो या कुछ ना, मैंने इदा लग्या। वो तो जो मैं अपना मिरर खोल के देखा मैं उन्होंने पैर आ गया पिछे, फिर वो चलो मुड़ के ये हूँ यही नहीं असं सोचा भी टायर पिछे करिए या उन्होंने अगे करिए, फिर करते कराते फिर असं चलो मजबूरन के दलेरी नाल मेरे हसबेंड ने कार अगे की, फिर उन्होंने पैर बेचार फड़ के बह गए। फिर इन्होंने उन्होंने कहा तुम ठीक है? कहते हाँ जी हाँ जी मैं ठीक हाँ, तुम गड्डी कढ़ो। बस वो इदा दिया मूवमेंट्स काफ़ी हुई शो के शो तो बाद जड़िया याद ने, पर यह तो कुछ थोड़ी ज़्यादा याद है। मतलब जाते जाते आपके दर्शकों को कहना चाहोगे? बस यही है मेरे गाने साढ़े गाने और साढ़े कलामों प्यार दो और ये गाना आया तो सारे जने सुनो, तो और किस्मत टू का गाना भी रिलीज़ हो गया, होर काफ़ी प्रोजेक्ट असं कर रहे हैं जोड़े आ भी रहे हैं और असं कर भी रहे हैं, तो बस ये थोड़ा सारे स्रोतियों का प्यार मिले और दुआवा दो आशीर्वाद दो जी। कोक स्टूडियो का एक बड़ा फेमस गाना होया जिन्हें बहुत वड्डे वड्डे रिकॉर्ड तोड़े ने, थोड़े दोनों भैनों का जाते जाते उस गाने दी दो लाइन्स। अल्लाह दा आवाज़ आया वे कुली नी फकीर दी विचों, अल्लाह दा आवाज़ आवे कुली नी फकीर दी विचों, कुली नी फकीर दी विचों। थैंक यू सो मच।